अब निशाना चूक गया। मैं कौन सी निशानेबाज हूँ? आप दोनों ने ना मेरा जीना हराम कर रखा है। फिर मैं आपका मरना आसान कैसे करूं? ऐसे करूं? तुम्हें किसी ने बचपन में ये बताया नहीं कि किसी के घर में बिना बुलाए जाना इट्स बैड मैनर्स। तुम्हें किसी ने बचपन में ये नहीं बताया कि किसी पर झूठा इल्जाम लगाना वो उससे भी बड़ी बैड मैनर्स होती है। झूठ तभी झूठ होता है जब वो पकड़ा जाए। अगर वो पकड़ा ना जाए तो वो सिर्फ एक सवाल बनकर रह जाता है। और इस बार तुम्हारा झूठ पकड़ा जा चुका है। Really? हमारे आयान ने कुछ भी नहीं किया है और उसका सारा प्रूफ हमें उस पेन ड्राइव में मिल चुका है। वो पेन ड्राइव जिसमें अब कुछ नहीं है, वो पेन ड्राइव जिसका सारा कंटेंट मैंने ईमेल कर दिया है। Really? किसे? पापा को और समय को। Oh my God! अब तो मैं गई। I'm dead. Finished. Okay, fine. जाऊंगी तो मैं, लेकिन आप में से किसी ना किसी को तो लेकर जाऊंगी। माय डियर शर्लॉक, आपको मार के मुझे कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर इसको मेरी सांचेश्वरी देवी को मारू तो ये वापस मेरे अर्जुन की जिंदगी में कभी आ नहीं पाएगी। चलिए किसको मारू? दिस इज सो कंफ्यूजिंग। मेरी से ना इतना प्रेशर हैंडल नहीं होता है। My little girl. माया आंखें खोलो।
माया, माया की सुनो। देखा तक नहीं, अभी भी उसके लिए सिर्फ माया। ना माँ, ना दोस्त। अर्जुन को किससे बचाने की हम कोशिश कर रहे हैं सांझ? वो झूठ जो अर्जुन की जिंदगी बन चुका है आंटी, झूठ अर्जुन की जिंदगी बर्बाद कर देगा। और सच, सच उसका दिल तोड़ देगा। माया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। माया, आंखें खोलो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने का। सारे काम की जिम्मेदारी इसी ने ली है, सारी मुसीबत इसी के सिर पर पड़ती है, इसी को सारे जहां की फिक्र, और किसी को है ही नहीं। कितना समझाया मैंने प्रेम, पर सुनते कहां है। तुम्हारे प्यार ने इसको बिगाड़ के रखा हुआ है। सुने मेरी तो ना, इस लड़की को है ही नहीं कुछ। चलिए आंटी, तू पागल है सांझ? माँ एक सेकंड। सांझ, सांझ बेटी, शेर के मुंह में कौन हाथ डालता है? तुझे कुछ हो जाता तो यार, तुझे सिर्फ अपनी पड़ी है, हमारे बारे में तो तू सोचती नहीं। सुमन, I'm really sorry, माँ, पर पापा, वंदना आंटी को मेरी बहुत जरूरत थी और रयान को मेरी जरूरत है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझे आप सबको बता देना चाहिए था, पर सांझ, listen to me, किसी की फिक्र नहीं कर, किसी की भी नहीं, मेरी भी नहीं। अगर फिक्र करनी है तो सिर्फ समय की कर बेटा, क्योंकि हमसे ज्यादा तेरे लिए ये परेशान था। I'm really sorry, समय, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, पर मुझे लगा कि शायद तुम मुझे रोकोगे। लेकिन अब उस शायद का जवाब ढूंढने का कोई मतलब नहीं है सांझ, क्योंकि अब तो जो होना था वो हो गया, बात खत्म। नहीं समय, बात तो अब शुरू हुई। मुझे आयान की बेगुनाही के सबूत मिल चुके हैं। मिस्टर शर्मा जी, डॉक्टर, माया कैसी? वो ठीक तो हो जाएगी, वो बेहोश क्यों हुई थी? रिलैक्स मिस्टर शर्मा, अभी वो ठीक है। एक्चुअली बीपी बहुत हाई हो गया था, और ऐसी हालत में बीपी हाई होना अच्छी बात नहीं है। ऐसी हालत मतलब? She is pregnant. What? Congratulations, Mr. Sharma. और वो सबूत जो है वो जहां भी है सेफ है ना सांझ? सांझ देखो, ये सबूत माया के खिलाफ है। अगर तुम उससे धोखा धमाके नहीं सोच रही हो तो उसने वो सबूत कब के बदल दिए होंगे? इस बार नहीं, इस बार सबूत माया के हाथ से जा चुके हैं। तू, तेरा सबूत और तेरी लॉयर पंती। यार वंदना को देख, अपनी सुध-बुध भूल के बैठी है। ऐसा क्या हुआ उस माया के घर पे? माया,
सांझ का है। माया बेहोश हो गई थी, उसने बस माया को उठाया और वंदना आंटी की तरफ एक बार भी नहीं देखा और वो वहां से चला गया। दिमाग घास चलने गया क्या उसका? उसकी अकल घुटनों से निकल जूतों में चली गई है यार। इतना सब कुछ हो गया, उसे सिर्फ अपनी उस माया की पड़ी है। फिर वंदना की हालत देखो। वंदना को मैं कमरे में लेके जा रही हूँ, इसे आराम की सख्त जरूरत है। वंदना चल उठ, आ मेरे साथ। समय, मैं अर्जुन के पास जा रही हूँ, उसे उसकी माया का सच बताना। मैंने तुम्हें और पापा को एक ईमेल भेजा है। मी साइट पे जाना, उस ईमेल को खोलना और उस वीडियो को डाउनलोड करके मुझे भेज देना, ठीक है? समय ठीक है? हाँ हाँ वो। थैंक यू। सांझ, अर्जुन को सब बताना जरूरी है क्या? आई मीन अगर उसने सब कुछ फिर से माया को बता दिया तो तुम तो जानती हो ना कि माया किस तरह से सबूत पलट दिया करती है। अब अर्जुन फिर से उससे मिल गया तो हमारा मकसद तो अर्जुन को माया से अलग रखना है ना? नहीं समय, मेरा मकसद अर्जुन को माया से अलग करना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ एक है, अयान को इंसाफ दिलाना। और उसके बाद अर्जुन जाने और उसकी बीवी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चेंज करके आती हूँ। थैंक यू। माया की बर्बादी का सामान तुम्हें जुटाने नहीं दूंगा सांझ, फिर चाहे मुझे उसके लिए कोई भी हद क्यों ना पार करनी पड़े। समय समय की काया पलट देगा। She is pregnant. What? Congratulations, Mr. Sharma. Are you sure? ऐसी बात सुनकर अक्सर लोग खुश हो जाते हैं। Well, you take care of her. अर्जुन और मैम दो से तीन बनने में से तीन अर्जुन अभी हमारा दो से तीन होने का वक्त आ गया। प्यार उसी से करो, प्यार उसी जिसे कंट्रोल कर सके, जिसे कंट्रोल कर सके। जब प्यार आपको कंट्रोल कर, प्यार आपको कंट्रोल करने लगे तो उसे बर्बाद कर दो, उसे बर्बाद कर दो। अर्जुन अर्जुन मेरी जान मेरा जुनून, दुनिया हमें साथ जन्म, दुनिया हमें साथ जन्म, लेकिन तुम पर मेरा, लेकिन तुम पर 700 जन्म तक सारा नहीं, जन्म तक भी पूरा नहीं। जो भी नजर मेरे अर्जुन की ओर उठे, अर्जुन की ओर उठे, उसकी आंखें नोच लो, आंखें नोच लो। मेरी मोहब्बत, मेरी शिद्दत है, मेरी शिद्दत है, उसे मेरी सनक मत बना, सनक मत बना। करते हैं आपने तो मेरी लाइफ की बैंड बजा दी। मैं मानता हूं कि हमने आपसे रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन आप यूं दुश्मनी लेंगे? जब माया ठीक थी आपने हमसे हमारा बच्चा छीन लिया, अब जब आया बीमार आप बच्चा दे रहे? क्यों भाई, क्यों? क्या कर रही हूं बच्चे का, बच्चे का क्या कर रही हूं बताइए। जब माया अपने आप को हैंडल नहीं कर सकती तो इस पर
बच्चे को कैसे हैंडल करेगी? माया के प्यार की कोई हद नहीं है, तो फिर वो मां की ममता की हद कैसे पहचानेगी? बोलिए ना, चुप क्यों? बोलिए ना, मेरी जिंदगी बर्बाद करके आप लोग चुप नहीं रह सकते। बोलिए, माया बीमार है, आप उसको ठीक करने के बजाय आप कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं, क्यों? माया ने मेरी मां से बदतमीजी की, मैं चुप क्यों? क्योंकि मेरी बीवी बीमार है। माया ने साथ से बदतमीजी करी, मैं चुप क्यों? क्योंकि मेरी बीवी बीमार है। जब माया की बीमारी मेरे बच्चे में निकलेगी, तब क्या प्लान है आपका? आपने मेरी लाइफ तो बर्बाद कर दी, मैंने हैंडल कर लिया, लेकिन एक छोटा सा बच्चा, छोटा सा, वो क्या करेगा? इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही? माया कुछ भी कर सकती है, कुछ भी, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा। बस माया मां नहीं बनेगी। सांझ, रहने दो, मत जाओ। आई गेस पहले उस सबूत को सही जगह पहुंचा देते हैं। सबूत अब तुम्हारे हाथ में है समय, इससे सही जगह और क्या हो सकती है? तुमने एकदम सच कहा सांझ, सबूत एकदम सही जगह पर है। मेरी माया के लिए ये सबूत कभी किसी तक नहीं पहुंच पाएंगे। अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच। बाय। सांझ, ऑल वेल? थैंक यू फॉर मुझ पे भरोसा रखने के लिए। बाप के भरोसे पे बेटी का हक होता है, और अपने हक के लिए थैंक यू नहीं कहते। पिछले जन्म में पता नहीं मैंने कितने पापा बेले होंगे, जो मुझे आप जैसे पापा मिले। अच्छा, तो इस लॉजिक से तो तेरे पापा की पापड़ की फैक्ट्री होगी, जो तेरे जैसी बेटी मिली उसे। ओके, आई नीड टू गो। Okay, go. What? Oh my God! ऐसे दिख रही जैसे हम किसी को आखिरी बार देखते हैं ना, उस टाइप की। मतलब ये बकवास ही बात है ना, अपने पास ही रखिए प्लीज। और मैंने आपको और समय को एक मेल भेजा है। ओके। वो मेल को डाउनलोड करने के बाद वो वीडियो मुझे भेज देना, मैंने उसको सब समझा दिया। ओके। लेकिन तू जा कहाँ रही है? अयान को आजाद कर। मेक मी प्राउड। थैंक यू। गो। आई लव यू। लव यू। मेल। माया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सकता। माया, you
अपने बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को मुझसे बचा लो अर्जुन। मैं बीमार हूं, I'm mentally unstable. Arjun, please. मेरी बीमारी मेरे बच्चे तक नहीं पहुंच सकती अर्जुन, प्लीज। मैं बहुत खराब हूं अर्जुन, मैं बहुत खराब हूं, मैं अच्छी नहीं। पर मैं ठीक होना चाहती हूँ और सिर्फ तुम मुझे ठीक कर सकते हो। मेरे बच्चे को बचा लो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.